अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर, टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। इसमें हमारा जो बेटे एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट कॉलेज का भी है और नोवाडम गोइंग जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज अ लेक्चरर। ठीक है, बात ये बेटे हमारे पास, हमने एम के प्रेपरेशन में एक सीरीज शुरू की है जिसका मकसद ये है कि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट तक जो हमारा एफ एस सी बी एस सिलेबस जो है उससे थोड़ा सा बच्चों का हॉल हो जाए। जो स्टूडेंट्स हमारे एम एस बी एस कर चुके हैं जिनका ये हमेशा इशू रहता है कि वो एडवांस सिलेबस तो पढ़ लेते हैं बट जो बेसिक से लेके जो एडवांस जो हमारा ये जो पूरा एक थ्रेशोल्ड जो हमारे पास सिलेबस होता है ये कभी बच्चे इनको ऐसा भूल चुके होते हैं, उस तरह याद नहीं कर पाते। और जब कमिश्नर एग्जाम्स आते हैं, जब हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो एग्ज़ाम आते हैं, जब हमारे पास ऐसी कोई भी जॉब आती है वो परेशान होते हैं। जब वहाँ टेस्ट आता है तो टेस्ट उन बच्चों के लिए बिल्कुल अननोन होता है, अनसीन होता है। तो हमारा मकसद ये है कि ये जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका ताल्लुक हमारी कमीशन के एग्ज़ाम से है, बेसिक कॉन्सेप्ट से है, उनके मतलब एक सीरीज़ जो है वो एम के प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो ताकि जो बच्चा जैसा भी जब उसके पास कुछ भी उसको चाहिए हो तो वो क्लिक करे और उसके पास वो जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस के डिज़ाइन जो हमारे पास टॉपिक है वो उसके पास ऑलरेडी मौजूद हो। तो समझ लें कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के पास क्या बन जाए, एक डिजिटल लाइब्रेरी बन जाए जिसका मकसद सिर्फ वो सिर्फ ये है स्टूडेंट्स की हेल्प करना। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है उसका ताल्लुक किससे है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। लाइक आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम जो सीखेंगे सिखाएंगे उसका ताल्लुक किससे है? ग्रुप्स एंड पीरियड्स से। हमारा जो ग्रुप्स एंड पीरियड्स है, जैसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, आज का हमारा टॉपिक ये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नो बेटर कि हमारे पास जो पूरी दुनिया जो है, चाहे उसमें आप तो हमारे डेवलप कंट्री हैं, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, सभी में जो भी हमारे पास जो तरक्की है, जो तरक्की हो रही है, जो होगी, इन सब के पीछे क्या है? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर जगह पे हमारे पास क्या मौजूद है? यही हमारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिकल है, स्पेक्ट्रो है, एना है, स्टीरियो है, कोई भी हमारी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है उसमें जब तक ये हमारे एलिमेंट्स जो है इनका ताल्लुक, इनका जिक्र नहीं है, हमारी वो जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वो है ही नामुकम्मल है। तो ये जो पीरियड टेबल और जो पीरियडिसिटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे पास हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है ग्रुप्स और पीरियड्स में, हमें उनको ट्रेंड पढ़ने हैं कि लॉन्ग ग्रुप और लॉन्ग पीरियड्स में क्या चेंज है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है, इस सब का जो आज हमने एक छोटा सा एक व्यू देखना है। तो हम शुरू करते हैं बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखिए, बात ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो हम जनरली कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ एक्सेप्शन के साथ साथ। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जहाँ पे कार्बन मौजूद है फिर भी वो हमारे ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे यो टू है, कार्बोनेट्स हमारे यहाँ हैं, बाई कार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स हैं, साइनेट्स एक्सेट्रा, उनको छोड़ के। तो ऐसे हमारे पास जो सारे जो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, जिनका ताल्लुक ऑर्गेनिक का जो है वो केमिस्ट्री से नहीं है, उसके अलावा सारे बाकी जो केमिस्ट्री सारी क्या कहलाएगी आमतौर पे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इंक्लूड मेटल्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब देखें, बात यह है, जो यहाँ जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, इस सब बातों का मतलब क्या है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं? इसमें देखें क्या कि हमारे पास आगे मेटल्स आ गई हैं, मिनरल्स आ गए हैं, उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आ गए हैं। ये सारे ताल्लुक किससे है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लाइक यू कैन से दैट हमारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसमें कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी सारा कुछ, वो सारा कुछ किसमें डील करेगा? हम वो किसके बात करेंगे? वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको कंसर्न करेंगे। तो ये बात है जी, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेटल्स की बात, मेटल्स कौन सी, चाहे वो मेटल्स हमारे पास एस ब्लॉक मेटल्स हैं, पी ब्लॉक, उसके बाद जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल हैं, हमारे पास जो पी ब्लॉक के जो लोअर एरिया जहाँ पर सारी मेटल्स हैं, जैसे कि टिन और लेड आ गया, हम बिस्मथ वगैरह आ गया, इन सब की स्टडी, इन सब के कंपाउंड की स्टडी, या हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, उसमें आप समझ लीजिए हमारा पोली एनिलीन को कॉम्प्लेक्स मौजूद है, हमारे पास कोई एक पोली एनिलीन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, पोली एनिलीन एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है, इन सब का कंसर्न किससे आएगा? हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हमेशा हम ये देखते हैं कि आप इसमें जो मेजर बात वो सीखने वाली वो ये होती है कि जो हमारे एलिमेंट्स इसमें डील करेंगे उनके ट्रेंड क्या हैं,
क्योंकि मेन चीज ट्रेंड है, उस ट्रेंड को देख के ही हमारे पास मेंडलीव ने अपने ज़माने में कुछ अननोन एलिमेंट्स थे जो उस वक्त ऐसेच नहीं उनका पता था, वो डिस्कवर नहीं हुए थे, बट उसने जर्मेनी के मतलब जो हमारा एलिमेंट कौन है, जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है, उसने जो जर्मेनियम का जो स्पेस छोड़ दी, बट उसने प्रिडिक्ट जरूर किया कि यहाँ पे कैसा एलिमेंट आएगा जिसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर इस तरह का होगा, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड इस तरह की होंगी। वो कैसे पता चला? ट्रेंड से पता चला। वो हमें अंदाज़ा किससे हुआ कि हमारे पास वो जो एलिमेंट्स के जो लास्ट शेल में उनके जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके जो हमारे पास स्टाइल ऑफ बॉन्डिंग है, उनका जो प्रॉपर्टीज़ है, उनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि भाई हमारे पास यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट आ सकता है जिसका ऐसा इस तरह का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास, और ये उसकी क्या होंगी एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगली बात आ गई जी, ये हमारे पास एक जनरल, एक हमारा जो फिलहाल चल रहा है, जो हमारा एक कॉमन जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें थोड़ा जिक्र है। इसमें देखिएगा, इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट वो हैं जो देखिए जिसका ताल्लुक किससे है। हम कहते हैं दे एलिमेंट बिलोंग्स टू, ये देखिएगा हमारे फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं, सेकंड ए एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैंने यही कैटेगोरिकली जिनको मेंशन, दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स? इसमें हमारे पास इन सारे एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एस वन और एस टू आएगा, एस वन आएगा या क्या आएगा, एस टू आएगा, मतलब उनके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो हमारे एस सबशेल में आएंगे, और क्योंकि यू नो कि हमारे एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दो आते हैं, तो जो एस वन वाले वो फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं और जो हमारे एस टू वाले वो कौन से सेकंड ए एलिमेंट्स हैं, और इनको मिला के क्या रिकॉर्डलेस एस ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज द फैमिली ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके आगे कैटेगरी है हमारे पास जो फर्स्ट ईयर कार्ड अल्कली मेटल एंड सेकेंड ईयर कार्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये हमारे पास क्या आ गई फैमिली, किसकी आ गई, इसका ताल्लुक किससे है, एस ब्लॉक एलिमेंट से है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा एरिया यहां से लेके, तो ये जो हमारा यहां तक एरिया आता है, ये हमारे पास 10 टोटल कितने ग्रुप्स हैं गिनने के लिहाज से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको 8 समझते हैं। 8 कैसे समझते हैं, हम इनको तीनों को मिला के हमने एक इनको एक ग्रुप समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनका ताल्लुक हमारे पास किससे है, डी ब्लॉक एलिमेंट से है। ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट आ गए। उसके बाद ये हमारे यहाँ से थर्ड ए से लेके एट्थ ए, दीज आर कॉल्ड लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमारी बॉटम पे ये जो सारे ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड लाइक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और दरमियान में हमारे पास डी ब्लॉक, और एंड पे हमारे पास के एफ ब्लॉक है। ये एंड पे नहीं है, असल में ये हमारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो असल में एरिया ये बनता है। ठीक है, बट क्योंकि जो हमारे पास इसकी जो एक एक प्रॉपर जो इसकी जो अरेंजमेंट है, जो एक इसको अच्छा लगने के लिए, एक को एक पेज पे पूरा आने के लिए, उसको एक अच्छे वे से रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने क्या किया है कि हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इसमें से उठा कर यहाँ रख दिया, और कोई बात नहीं है। एक्चुअली हमारे पास जो ये जो लैंथेनाइड सीरीज या जो हमारा एक्थेनाइड सीरीज, दोनों जो सीरीज़ हैं, इनका असल में कंसर्न किससे है, 6 और 7 पीरियड से है। तो ये असल में इन दो जगहों पे आती हैं, बट बात ये है कि हमने इनको यहाँ पे जैसे ही लिखा है, एक तो हमारे पास इसके कैटेगोरिकल को डिफरेंट कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, और नंबर टू हमारे पास जो सिमिट्री है इन द पीरियोडिक टेबल वो सारी ओके है। तो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट आ गए, एस ब्लॉक एलिमेंट आ गए, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अच्छा, यहाँ मजे की बात ये है, हमारा ये जो एलिमेंट है हीलियम, इट आल्सो बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, हम इसमें ये कहते हैं कि हमारे इसमें एस ब्लॉक को हमें क्यों कहा गया, उसकी वजह ये है कि हमारे एस ब्लॉक का मतलब ये है कि भाई इसमें अगर आप इसकी बात करेंगे, हमारे पास जो एस ब्लॉक में जो हमारे पास देखिएगा कि जो हमारा हीलियम है, हीलियम बेटा इसका एटॉमिक नंबर है 2, 1s2, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो क्योंकि ये हमारे नोबल गैसेस का पहला एलिमेंट है, और इसलिए हम इसको यहाँ अरेंज किया है। बाकी इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसी है, वो हमारी बिल्कुल एस ब्लॉक वाली है, क्योंकि इसमें 1s2 आता है। तो स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट को मिला के हमने, हम कहते हैं हमारे पास ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, हीलियम को यहाँ अगर एडजस्ट कर लें, बाकी हमारे पास ये पी ब्लॉक हैं, ये डी, और ये हमारे क्या आगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आगे। ये एक हमारा एक छोटा सा व्यू था बच्चों को देना था कि भाई इसमें हमारे ब्लॉक्स क्या हैं, इसमें फैमिलीज़ क्या हैं। या थोड़ी सी बात और भी तो जिक्र कर लीजिए, वो ये है कि इन्हीं हमारे एलिमेंट्स में हम ये भी कहते हैं, अगर हम फैमिलीज़ की बात, तो हम कहते हैं भाई हमारे पास ये जो एलिमेंट कौन से वाले हैं, 7a जो हैं, दे आर कॉल्ड एज हैलोजन्स।
ऐसे हमारे पास जो सिक्स ए हैं दे आर कॉल्ड लाइक चालको जीन्स, चालको CHALCO अगेंस्ट GENS चालको जीन्स। तो भाई चालको जीन्स जो है ये हमारे सिक्स ए मेंबर हैं, सेवन ए में हेलोजिन आ गया। हमारे जो एट्थ ए हैं दे आर ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेज आर इनर्ट गैसेज, और इनमें से इसके अलावा फर्स्ट ए एलिमेंट को हमने क्या कह दिया है दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ये हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे उसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके आगे फिर दो कैटेगरीज हैं लैंथेनाइड्स लैंथेनम वाली और एक्टिनाइड बेटे कौन सी एक्टिनियम वाली, जो हमारे एक्टिनाइड सीरीज आ गई ठीक है। 14 एलिमेंट्स ये हैं मेरे के बनेंगे 28 एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा, ये हमारे इसमें 4F सीरीज है और 5F सीरीज है, 4F सीरीज और 5F सीरीज हमारे दो तरह की सीरीज में है। उसके बाद हम इसमें ये भी कहते हैं अगर हम इनको कैटेगरी के लिए मेंशन करने की कोशिश करें तो हम इसमें ये भी कहते हैं हमारे पास ये जो एलिमेंट हैं कौन से, तीन एलिमेंट हमारे ये वाले और तीन हमारे एलिमेंट कौन से वाले हैं सेकेंडियम लिंथियम, और ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारे हमारे ओवरऑल सारे क्या कहलाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, बट हमारे ये जो एलिमेंट है सेकंड बी वाले और थर्ड बी वाले बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बाकी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं करती, लाइक दे डोंट फॉर्म अ गुड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दे डोंट हैव यूजुअली कलर्ड साल्ट, दे डोंट हैव यूजुअली यू कैन से डैट के हमारे उनकी जो स्टेट है जो ऑक्सीजन स्टेट है वो वेरिएबल नहीं होती, तो इनकी प्रॉपर्टी हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी बाकी से मैच नहीं, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, और बाकी सब ये क्या कहलाएंगे टिपिकल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक जिक्र था आपको फैमिलीज का ग्रुप्स का अंदाज़ा होता जाए। इसमें हम ये भी कहते हैं भाई देखिए हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियानी, दरमियानी का मतलब ये है कि असल में ये क्योंकि एस और पी ब्लॉक के दरमियान में हैं सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम बाय डेफिनेशन कहें तो हम कहते हैं व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, एलिमेंट इन विच डी आर एफ ब्लॉक या डी आर एफ सब शेल इज इन अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ये हमारी डेफिनेशन इसकी आ जाती है, बट जो वर्ड ट्रांजिशन मतलब कहते हैं दरमियानी क्योंकि सेंटर में है दरमियान में है सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एज वेल। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जिक्र था किसका फैमिलीज का ग्रुप्स का। तो इसमें अगर हम इन सबको देखें तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो शक्ल है ये हमारी पहले वाली शक्ल नहीं है, लाइक स्टार्ट में हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं था, इसमें बेशुमार लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इसकी यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसमें डिफरेंट लोग हैं जैसे हमारे पास क्या है न्यूलैंड्स हैं डोब्रेनर है मेंडली पीरियोडिक टेबल है, उससे सबसे पहले हमारा अलराजी का नाम आता है जिनको मेटल्स और नॉन मेटल एलिमेंट्स को जो वो डिवाइड किया गया। तो बात है बेटे यहाँ तक आने के लिए ये हम कहते हैं मोजले पीरियोडिक टेबल आल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर। तो ये जो हमारे एटॉमिक नंबर की बेस पे जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ये असल में एक सीरीज ऑफ एफर्ट्स है जो यहाँ तक पहुँचा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद कि जब हमने ये ग्रुप्स के मतलब बात कर ली कि हमारे पास ये जो फैमिली के मतलब बात कर ली तो ये देखिए थोड़ा फर्क देखिएगा हमारे पास ये जो मेंडलीफ और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फर्क देखिएगा। ये मेंडलीफ का जी हमारा जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है इट वॉज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मैस, इसका ताल्लुक किससे था एटॉमिक मैस से था। अब जो एटॉमिक मैस है हम उसने कहा भाई हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं द पीरियोडिक प्रॉपर्टी या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेस, ये वर्ड किसके थे मेंडलीफ के। उसने अपने ज़माने में हमारा जो एलिमेंट को जो अरेंज किया वो किस बेस पे अरेंज किया उसने ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मैसेस, और जो मोजले था मोजले ने किस पे बात पे अरेंज किया एटॉमिक नंबर पे। तो ये जो हमारे पास जो मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं हमारे जो एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मैस की बेस पे वी हैव टू पीरियोडिक लॉस व्हाट इज मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेस, और सेम वर्ड्स आप किस लिए कहेंगे एटॉमिक नंबर वर्ड चेंज करेंगे किसमें मोजले में क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मैस। वो बात है कि भी हमारे पास जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था एक अच्छी एफर्ट थी फॉर द फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स में ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट किसने दिया मेंडलीफ ने दिया, उसने एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज किया बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जो कमियां मौजूद थी डिस्क्रिपेंसीज मौजूद थी उन डिस्क्रिपेंसीज को दूर करके हमने किसको बाद में अरेंज किया हमारा जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका नाम किस लिए मोजले पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न एटॉमिक नंबर के बेस पे है। तो हमने इसके बाद इसको अरेंज करने की कोशिश की। तो नाउ डेज हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं मोजले पीरियोडिक नंबर जो हमारे पास ये पीरियोडिक लॉ है
जो हमारा पीरियोडिक जो टेबल है जिसका ताल्लुक एटॉमिक नंबर से है, अब हम नाउडेज ये पढ़ते हैं। अच्छा, अगली बात देखिएगा, उसके बाद हम इसमें कहते हैं कि बेटा हमारे पास इन दोनों में जो एक सच फर्क था वो समझ आ गया होगा बच्चों को, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मैस का। कुछ एलिमेंट्स में अनडिस्कवर्ड यहाँ जाकर डिस्कवर हो गए हैं, उसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे जिनकी ऐसा जो उनकी जो अरेंजमेंट थी वो ऐसा आगे पीछे लिख दी गई थी। जैसे हमारे पास ये सेकेंड ए और जो सेकेंड बी है, हमारे पास सेकेंड ए और सेकेंड बी, जो जिंक कैडमियम मरकरी और जो हमारे पास कौन से वाला है ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, दोनों की क्योंकि जो ऑक्सीजन स्टेट दो होती है मेंडलीव, दोनों को ऊपर नीचे अरेंज कर दी। हालांकि ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट और दीजर कार्ड लेस, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जो जिंक वाले हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं और ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम किस में आते हैं, वो सेकेंड ए में एस ब्लॉक में आते हैं। बट मेंडलीव ने उनकी ऑक्सीजन स्टेट की बेस पर उनको क्या किया, इकट्ठे अरेंज कर दिया। सो हम कहते हैं भाई हमारे पास ये उसके थोड़ा सा एक उसके जमाने में जो चीजें अवेलेबल थी उसने उस लिहाज से कोशिश की, एक अच्छी एफर्ट थी। तो ये एक हमारा दोनों फर्क भी आ गया, पीरियोडिक लॉ की बात भी आ गई और उसके बाद उनमें जो छोटे मोटे मिस्टेक थी इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बाद में चेंज करके तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऐसा अरेंज कर दिया गया। अब बात आ गई स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरे बेटे स्ट्रक्चर का मतलब क्या, भी हमारे पास ये जो आपके पास अभी मौजूदा वाला पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में स्ट्रक्चर क्या है, उसको हमने ये जो उसकी प्रॉपर शक्ल नज़र आ रही है हमने कैसे इसको किया है। तो बेटे कोई भी हमारा पीरियोडिक टेबल है, चाहे मेंडलीव का था चाहे मॉडर्न का था, इसके दो बड़े पार्ट हैं, कौन से, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। व्हाट आर ग्रुप्स, व्हाट आर ग्रुप्स, ग्रुप्स क्या हैं भाई, ग्रुप्स आर कॉल्ड एज वर्टिकल कॉलम, टॉप टू बॉटम कॉलम, ठीक है। दीजर जो हमारे पास टॉप टू बॉटम जो कॉलम है, जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है, दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। और एंड व्हाट आर पीरियड्स, उसका बड़े ताल्लुक किससे है, पीरियड का ताल्लुक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रोज से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो हमारा कोई जो पीरियोडिक टेबल है हमारे उसके दो पार्ट हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स में। अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पुराना जो हमारे पास मेंडलीव, जो मेंडलीव्स के बाद जो हमने शुरू में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कही उसमें हमारे ग्रुप्स कितने थे, हाउ वी हैव 8 ग्रुप्स एंड व्हाट अबाउट पीरियड, देयर आर 7 पीरियड्स। पुराने वाले नाउ डेज हम मेंडलीव के बाद की हम मॉडर्न की बात, मॉडर्न में मोसले वाले के अंदर हमने पहले 8 ग्रुप रखे और 7 पीरियड्स रखे, लेकिन हमने बाद में उन्हीं 8 ग्रुप को 18 में कन्वर्ट कर दिया है। अब कुछ बुक्स क्या कहती हैं, उनको 18 में कन्वर्ट कर देती हैं, लाइक वो कहती है इसमें टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18 हैं, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा ग्रुप से लेके 18 तक। उसमें जो हमारे कैटेगरी है कौन सी, 1A 1B वाली, सेकेंड ए सेकेंड बी, वो हमारी कैटेगरी मौजूद नहीं है। और इसमें हमारे पास वो जो हमने कहा था कि मेंडलीव के अलावा जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे 3 ग्रुप मिला के एक ग्रुप बनता था वो यहाँ बात ख़त्म हो गई है। इसमें हमारे पास आप कह रहे कि एस और पी ब्लॉक के हमारे 8 ग्रुप्स हैं और डी ब्लॉक के हमारे 10 ग्रुप हैं, मिलकर क्या बनेंगे, 18 ग्रुप बन जाएंगे। तो आप ये कह लें कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें 8 ग्रुप्स और 18 की बात की जाती है और हमारे व्हाट अबाउट पीरियड, दे आर इन द 7 नंबर इन पीरियड्स, ठीक है। जो हमारे पीरियड्स हैं, अगर हम कहें पीरियड्स हमारे पास ऐसे 1 इस तरह 2, ये हमारे इधर को क्या जाएंगे, पीरियड्स जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट ग्रुप्स, हमारे पास जो टॉप टू बॉटम वो सारे क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स। बच्चे अगली बात हमारे पास आ गई, ये जो हमारे ग्रुप्स और पीरियड के बाद अगली बात है जी हमारे, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियड्स। मेरे बच्चे ग्रुप्स हों या पीरियड्स हों, दे आर कैटेगोराइज्ड बाय स्पेसिफिक एंड वेरी, यू कैन से दैट वेरी वेरी ऑसम ट्रेंड्स, वेरी फेबुलस ट्रेंड, उसके बड़े फिक्स, बड़े अच्छे, बड़े ऑसम ट्रेंड मौजूद हैं। पहली बात ये जो पीरियड्स, मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता होता हूँ, एक लाइन यूज़ करता हूँ, क्या भला, पीरियड नंबर इज कॉल्ड एज शेल नंबर। फिर बच्चे मैंने क्या वर्ड बोले हैं, पीरियड नंबर इज कॉल्ड एज शेल नंबर। अगर किसी हमारे पास एक ग्रुप में जो हमारे एक पीरियड के मेंबर में अगर हमारा पहला पीरियड है तो उसका मतलब उसमें क्या शेल नंबर क्या होगा, 1 होगा, पीरियड नंबर इज कॉल्ड एज शेल नंबर। और किसी का पीरियड नंबर 4 है तो मतलब उसमें टोटल कितने शेल होंगे, 4 शेल होंगे, पहली बात तो याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, हम कहते हैं पीरियड ऑन द पीरियोडिक टेबल इज द रो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट इन अ रो हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। जो मैं भी आपसे क्या बात कर रहा था कि भाई हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इसमें हम ये कहते हैं भी हमारे एलिमेंट्स के अंदर जो कौन है, पीरियड नंबर, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, शेल कहलाएगा।
ईच नेक्स्ट एलिमेंट इन अ पीरियड हैज वन मोर प्रोटॉन, क्योंकि भाई क्या होता है हमारे पास जो एटॉमिक नंबर क्योंकि इन अ पीरियड 1, 2, 3 के लिहाज से वन बाई वन बढ़ता है, तो हमारा हर जो आने वाला एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक नंबर है पीछे से एक ज्यादा होता है, ठीक है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक शेल वाली, पीरियड नंबर इज कॉल्ड अ शेल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसी की बेस हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे जाके, हम पढ़ेंगे ट्रेंड पढ़ेंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पीरियड्स हैं पीरियड्स के अंदर या शेल के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कैटेगराइज करना बड़ा आसान है, दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड वर अरेंज। हमारा पूरे जो सारे एलिमेंट जो पहले कहीं कहीं बिखरे पड़े थे उन सब को अरेंज करने का मकसद क्या था कि वो एक प्रॉपर एक पैटर्न में आ जाएं और उन ग्रुप्स और पीरियड्स की प्रॉपर्टी के लिहाज से उनको अरेंज करके किसी को हमने अरेंज किस बेस पे किया हुआ है, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज, किसी के हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के लिहाज से मैनेज किया हुआ है। लाइक हमने जब उनको मैनेज कर लिया है तो अब हमारे लिए आसान है, प्रिडिक्शन आसान है हमारी प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट बात आ गई उसके बाद जी हमारे प्रॉपर्टी किसकी आ गई, पीरियड्स की बात आ गई। नेक्स्ट बात किसकी आएगी हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। ये बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जी, ये इसको देखिए अगर अच्छे से, तो हमारे पास में एटॉमिक रेडियस है, IE है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और मेटेलिक रिएक्टर है, कंडक्टिविटी भी इसमें आ जाती है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी सारा कुछ इसमें आ जाता है। सबसे मेजर बात आपने अबाउट पीरियड्स क्या याद रखनी है, अभी जैसे मैंने क्या बताया आपको, पीरियड नंबर इज कॉल्ड अ शेल नंबर। आप इसमें इस बात करने का मतलब क्या है, मैं आपको एक दो स्लाइड पीछे जाके एक दो बात और समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद आप समझ भी जाएंगे। देखिए जरा बात यह है कि हमारे पास में ये एक बड़ा सा, चल इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए जरा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक ग्रुप है, कौन से वाला इसकी बात कर लें, ये हमारा एक पीरियड है, या आप किसकी बात कर लें, इन हमारे पास जो थर्ड पीरियड है इसकी बात कर लें, थर्ड पीरियड हमारे पास ये जा रहा है जी, जो थर्ड पीरियड है या फोर्थ पीरियड है या सेकंड पीरियड है या फर्स्ट पीरियड है, थर्ड पीरियड में अभी मैंने क्या बताया बच्चों को, पीरियड नंबर इज कॉल्ड अ शेल नंबर। तो अगर इन सबका यहां से वहां तक पीरियड नंबर क्या 3 है, तो मीन सबका शेल नंबर क्या होगा 3 होगा, लेकिन इसका टर्म है, इसका टर्म नंबर है 11, इसका है 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक जाता है। अब बात यह कि जो हमारे पास 11 वाला एटॉमिक नंबर वाला है वो सोडियम है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और बेटे 11 प्रोटॉन है, लेकिन शेल नंबर क्या 3। इसी के आप एंड पे चले जाएं, कौन आर्गन की बात कर लें, आर्गन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 हैं, प्रोटॉन वो भी कितने 18 हैं, लेकिन शेल नंबर उसका भी क्या है 3 है। तो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन कहां पे आ रहे हैं 3 शेल में, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन कहां पे आ रहे हैं सेम शेल में, हुआ क्या शेल नंबर नहीं बदला, क्या बदला है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो नंबर है वो बदला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बदले हैं बड़े हैं, बट हमारे पास शेल नंबर वही है। जब शेल नंबर वही होगा इस बात का मतलब क्या हुआ, एक उसी सेम शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन का रश बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन का रश बढ़ेगा अल्टीमेटली प्रोटॉन का रश बढ़ेगा, क्योंकि इन अ न्यूट्रल एटम नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोथ आर इक्वल, जब वो दोनों इक्वल हैं तो इक्वल होने का मतलब क्या, अब हमारे पास रश बढ़ गया, रश बढ़ने का मतलब क्या, अब अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या बढ़ गई है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उस न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से हम कहते हैं अब जो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ गए हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन बढ़ेगी हमारा अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, शेल नंबर में हमारे पीरियड नंबर के अंदर साइज स्मॉल हो जाएगा, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस स्मॉल हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उसमें कंट्रैक्शन आ जिसमें कंप्रेशन आ जाएगी। अब उस कंप्रेशन की वजह से उस मैं फिर सुनिए कि उस कंप्रेशन वजह से उस एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अब मैं बात दोबारा अपनी पिछली स्लाइड पर जाता हूँ। मेरे बच्चे स्लाइड में आपको ये बताना था प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस तरह बच्चे इस पर अरेंज होती हैं वो देखिए जरा, ये आ जाइए। अब मैंने क्या बताया बच्चों को कि हमारे पीरियड में क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर सॉरी वही रहता है, लेकिन हमारा प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन तादाद बढ़ती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उस एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने से क्या होगा, नंबर वन IE क्या होगी, वो हमारी जो IE है बच्चे वो क्या होगी बढ़ेगी, कहाँ पे पीरियड के अंदर, आयोनाइजेशन एनर्जी के अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। हमारे पास क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो अट्रैक्शन बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा मुश्किल होगा, सो इन अ पीरियड क्या होगा हमारी IE वो क्या होगी बढ़ेगी। सेम हमारा क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हमारा मेटेलिक रिएक्टर है,
उसके बाद आप समझ लें हमारे पास एक और टॉपिक है, वो ईए है। व्हाट ईए? इलेक्ट्रोफिनिटी। इलेक्ट्रोफिनिटी कह लें, आईई कह लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें, हमारे ये तीन जो बातें हैं, ये तीन बातें जो हैं सब क्या होंगी, अक्रॉस सब पीरियड क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। छोटे मोटे उसमें एक एक्सेप्शन दो मौजूद हैं, जैसे नाइट्रोजन हैजिंग मोर देन आईई देन द ऑक्सीजन। छोटी मोटी ट्रेंड के अलावा, छोटे मोटे एक्सेप्शन के अलावा, जनरल हमारा ट्रेंड क्या है, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आईई डिक्री जो हमारी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोफिनिटी भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जो मेटैलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज कम होता है। और मेटैलिक कैरेक्टर के डिक्रीज होने से बेसिक कैरेक्टर हमारा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इन अ पीरियड जनरली हम ये कह सकते हैं क्या भला, नंबर वन हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, नंबर टू जो आईई है वो बढ़ती है, इलेक्ट्रोफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कम क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, मटेरियल कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, कंडक्टिविटी कम होगी, एचडी का हमारा कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, नॉन मटेरियल कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड में, पीरियोडिक ट्रेंड में उसकी प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट बात हम करते हैं उसके बाद, हमारे यही जो पीरियड्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अगली बात हमारे पास आ गई जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आपको पता है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटम, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या है, न्यूक्लियन नंबर से कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। तो ये दो हमारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, क्या भाई हमारे हम जेड से शो करते हैं और उसे हम ए से शो करते हैं। अच्छा मेरे बेटे, अभी जब मैं आपसे बात कर रहे थे क्या भला अबाउट ग्रुप एंड पीरियड्स, जो हमारे प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड बड़ी थी वो अक्रॉस शेल क्या होंगी, वो कम होंगी। जैसे हमारे पास शेल में क्या होता है बेटे, शेल में हम ये कह सकते हैं हमारे पास शेल के अंदर सबसे बेटे मेन जो बात वो ये है, हमारे पास शेल में आप ये कह सकते हैं हमारे पास जो शेल में सबसे जो बेटे मेजर बात वो ये है, ये देखिएगा आपसे अभी बात होता है एटॉमिक नंबर, हमारा जो एटॉमिक मास है ये थोड़ा सा हमने इसको जेड कर दिया है, बे एटॉमिक जो नंबर है वो हम जेड से शो करते हैं, जो एटॉमिक मास हम उसे ए से शो करते हैं, ये थोड़ा फर्क याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बात देखिएगा स्टूडेंट्स, आप ये कहते हैं कि इसमें आपने जो याद रखना है वो ये है कि जो मेजर बात है वो ये है कि भाई एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास में आपने ये कैटेगोरिकली याद रखना है, एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियन नंबर से कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और क्योंकि इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ लोग समझाने के लिए बच्चों को क्या कह देते हैं भाई, हमारे पास क्या बड़े वर्ड यूज करते हैं कि भाई हमारे पास जो एटॉमिक नंबर वो समय क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हालांकि वर्ड रियल में क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के उधर लगी। नेक्स्ट बात आ गई हमारे पास, देखिए इसमें जो सबसे मेजर बात वो ये है कि इसमें आपने ये बड़े बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बाद आपको जो ट्रेंड बता रहे थे आपको कि हमारे पास जो ग्रुप्स और पीरियड्स में हमने एक जो हमारा एक ग्रुप है उसमें आपने क्या बात याद रखनी है, ये देखिए ग्रुप की बात करते हैं, ये हमारा ग्रुप है जी। बेटे ग्रुप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो सारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लिथियम है, सोडियम है, एक्सेट्रा, जितने हमारे सारे एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट में इन अ ग्रुप, सारे जो हमारे एलिमेंट जो को एक ग्रुप में स्पेसिफिक ग्रुप में आएंगे, सबका शेल नंबर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि सबका क्या चेंज हो रहा है, पीरियड नंबर चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे को हर आने वाले एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है, जो शेल नंबर है, ग्रुप नंबर तो रेफरेंस सेम होगा, तो शेल नंबर वो क्या होगा एक, अगर हमारे पास लिथियम की बात, लिथियम का हमारा जो ग्रुप नंबर टू है तो सोडियम का हमारे पास थ्री आ जाएगा, इस तरह आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब जब ग्रुप हमारे पास एक ग्रुप नंबर के अंदर, एक ग्रुप के अंदर हमारा जब हर नीचे वाले एलिमेंट का पीरियड नंबर ऊपर वाले एलिमेंट से, पीरियड नंबर से क्या होगा एक ज़्यादा होगा, उसे शेल बढ़ेंगे, जब बड़े शेल बढ़ेंगे, शेल बढ़ने का मतलब क्या है, अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाते जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाएंगे उसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो ग्रिप है ऑफ न्यूक्लियस वो क्या होगी, कम हो जाएगी, उससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होंगे, आई हमारी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोफिनिटी हमारी वो भी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी, क्या बढ़ेगा मेटैलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बिकॉज उसका ताल्लुक इससे होता है इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास दूर जाएंगे फ्रॉम न्यूक्लियस तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के दूर जाने का मतलब क्या है कि आप उनको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन फ्री करना आसान है, उनका मेटैलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक नेचर वो भी क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है, कंडक्टिविटी वो भी हमारे पास क्या होगी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ ट्रेंड थे अबाउट ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये एक ब्रीफ सी हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी बच्चों को ट्रेंड बताने के लिए कि हमारे पास जो जो एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक नंबर, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्या कहते हैं आपको। एक्सेप्शन हमने एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे,
बात ये बेटे जो हमारे पास एक्सेप्शंस हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, वो आईई के हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर हम ये कह दें कि हमारे पास जो आयो एनर्जी है उसके ट्रेंड क्या है कि क्रॉप पीरियड वो कहते इंक्रीज़ होती है, बट हमारे नाइट्रोजन है उसकी आई किससे ज़्यादा, ऑक्सीजन से। हालांकि ऑक्सीजन के ज़्यादा किससे होनी चाहिए, नाइट्रोजन से, बट वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि नाइट्रोजन कंटेन 3 हाफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा जो ऑक्सीजन उसमें हमारे पास क्योंकि 2 हाफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाइट्रोजन में 3 है, तो हमारा रूल क्या है, फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल दैन द हाफ फील्ड विच आर मोर स्टेबल दैन द पास्टी फील्ड विच आर मोर स्टेबल दैन द वेकेंट ऑर्बिटल। तो एक हमारे इसमें ये थोड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन हैविंग मोर आई ई दैन द ऑक्सीजन इन सेम वे, एन से नीचे कौन है फॉस्फोरस और ओ से नीचे कौन है सल्फर, तो ओ की क्या होगी, सॉरी हमारे पास जो फास्फोरस की जो आई किससे ज़्यादा होगी, वो अपने काउंटर मेंबर से सल्फर से ज़्यादा होगी। ऐसे हमारा कौन सा एक एक्सेप्शन उसके बाद है, वो हमारे पास है इलेक्ट्रोफिनिटी की। यूरी इलेक्ट्रोफिनिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो है इन केस ऑफ हैलोजेंस, इन केस ऑफ 6 एलिमेंट्स जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ट्रेंड के लिहाज से फ्लोरो फ्लोरीन एफ जो है उसकी जो इलेक्ट्रोफिनिटी वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन से। बट क्लोरीन की क्या होती है ज़्यादा किससे, फ्लोरीन से। वजह क्या है कि बात फिर वही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के पीछे लॉजिक है, हमारे पास जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता है। वो हमारा फ्लोरीन बुक में लाइन लिखी है किसी जगह पे, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, स्पेशली जो फ्लोरीन है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फ्लोरीन की है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं भी मिलेगा ये स्टेबल होगा, तो साइज एटॉमिक साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होना चाहता है तो ऐसा छोटे एक एटॉमिक साइज के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन से उसकी जो स्टेबिलिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिनिटी से क्या होती कम होती है। उसके बजाय जो क्लोरीन है जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके क्योंकि स्टेबिलिटी में ज़्यादा फ़र्क आता है, सो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन फिनिटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी फ्लोरीन से। सेम वे ऑक्सीजन सल्फर में असूलन ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट सल्फर की ज़्यादा क्यों होती है, सेम ट्रेंड। जैसे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन था, ऐसे ओ के नीचे कौन सल्फर है, सेम ट्रेंड सेम लॉजिक। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन बात भी आ जाती होती हैं, इनको आपने ऐसा याद रखना है। अल्लाह साहब जो हमें नासर हो, उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। आप इसमें जो हमारे और फर्दर जो डीप बातें हैं जिनका ताल्लुक हमारे पास और एलिमेंट से है, जिनका ताल्लुक हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट से है, उसके मतलब हमने एक अलहदा से एक और वीडियो बनाई है जिसका ताल्लुक जिसका नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वहाँ हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, वहाँ हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के सारे पार्ट्स की बात करेंगे, उनके जो एक ब्रीफ सा जो हमारा क्या है नॉमेनक्लेचर उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स एम की प्रेपरेशन से इजाज़ दीजिए, अल्लाह साहब बच्चों हामी नासर हो। बेटे कमीशन जॉब आती रहती हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिए किया करें, ठीक है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो बेटे फिर उसके बाद उसकी प्रेपरेशन भी किया करें। हमारे प्लेटफॉर्म पे सर मुबशर मिजाह चीमा, सर मुबशर फॉर जोलॉजी एंड बायोलॉजी, सर सुप्तैन फॉर बॉटनी हैं, सर डॉक्टर इमरान मलिक साहब हैं वो उर्दू के लिए हैं, सर चांद अकील साहब हमारे सबसे जो औसम टीचर हैं इंग्लिश के लिए हैं, तो इस तरह हमारे बॉटनी के टीचर सर सुप्तैन राणा साहब हैं, ठीक है। वो हमारी पूरी टीम है जो क्या करती है सभी तरह के जो एग्ज़ाम हैं जिनका ताल्लुक हमारे पास स्पेसिफाइड सब्जेक्ट से हो या हमारे बाकी जो एग्ज़ाम है जो चाहे 1 पेपर हो उसकी प्रेपरेशन करवाती है। तो बेटा हमेशा कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हमारी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप देखा करें। और बेटा ये चीज़ें आप बेशुमार जगहों में टाइम ज़ाया करते हैं, जब ये चीज़ें पढ़ेंगे तो अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री मौजूद है तो आपका टाइम बचेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।